हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल टू आवर चैनल स्टडी बडी। तो आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं बीए 2014-15 के पेपर को, जिसमें आज हम लोग इंग्लिश के सेक्शन को देखेंगे। तो अनदर वर्ड फॉर स्केयर इज, स्केयर का दूसरा वर्ड क्या होगा? तो स्केयर का दूसरा वर्ड होगा फ्राइट। स्केयर मतलब भी डरना, ठीक है। डू नॉट, तो ऑब्वियस बात है माइंड में तो आ ही जाता है। लूज, तो कौन सा लूज? तो ये लूज मतलब होता है ढीला, LOOS, लूज, ठीक है। ये लॉस होता है प्रॉफिट एंड लॉस वाला, ठीक है। तो कह रहा है डू नॉट लूज योर टेम्पर, तो कौन सा लूज? डू नॉट LOOS, लूज योर टेम्पर, ठीक है। और ये लॉस्ट मतलब खोना हो जाता है, ठीक है। द जर्नी अप हिल्स वाज आर्डुअस, तो आर्डुअस का मतलब क्या होगा? तो आर्डुअस का मतलब होगा हार्ड। ही इज कैनवेजिंग फॉर हिज कैंडिडेट। कैनवेजिंग का मतलब होता है प्रोपगेट, मतलब अपनी बात को फैलाना, ठीक है। हिज कैनवेजिंग फॉर, व्हेन माय पॉकेट वाज पिक्ड, जब मेरी पॉकेट, द पुलिसमैन डैश वाज जस्ट राउंड द कॉर्नर, तो ऑन द बीच। फिल इन द ब्लैंक्स इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस चूजिंग द करेक्ट वर्ड फ्रॉम द लिस्ट गिवन बिलो। डैश शार्क, वेल्स एंड डॉल्फिन आर वार्म ब्लडेड मैमल्स। मतलब क्या है डैश शार्क? तो शार्क्स के यहाँ पे क्या होगा? तो यहाँ पे अलाइक है, अनलाइक है, टूगेदर एंड ऑल्सो। तो आपको पता होना चाहिए शार्क इज अ कोल्ड ब्लडेड एनिमल। इसका मतलब क्या है? वेल एंड डॉल्फिन आर वार्म ब्लडेड एनिमल। मतलब क्या है? अनलाइक शार्क, वेल एंड डॉल्फिन आर वार्म ब्लडेड एनिमल, क्योंकि शार्क के पास गिल्स वगैरह होता है सांस लेने के लिए, इसलिए। तो इसका क्या हो जाएगा? बी। देन आफ्टर एक्सॉटिक, एक्सॉटिक मीन्स स्ट्रेंज एंड फॉरेन। देन आफ्टर नेक्स्ट वन, शी इज नॉट डैश दिस फोर्स, तो शी इज नॉट एलिजिबल फॉर दिस फोर्स। मतलब क्या है? बी एलिजिबल। Take the following which is the nearest to the meaning of the given word. So, dearth, dearth मतलब scarcity, कमी. Take the following, take the antonyms of the, antonyms मतलब कि उल्टा, of the given word. Given word का opposite क्या होगा था? Optimism, आशावादी, pessimism. ठीक है, निराशा इसमें हो जाएगा. Nobody came to us. तो यहाँ पे आपका nobody क्या है? तो nobody is a indefinite pronoun. मतलब क्या है? Nobody, जिसमें भी no लग गया, nobody, no one, है ना? तो ये सब क्या आपको बता रहा है? मतलब बहुत ज्यादा ही हो जा रहे हैं कोई भी चीज। तो क्या है nobody? इसका मतलब it is a indefinite pronoun. List of the book or other article is called, इसको हम लोग क्या कहते हैं? It is a catalogue. To be no spring chicken, तो मतलब क्या होता है? चिकन क्या होती है? एक यंग चीजें होती है। तो no spring chicken, तो मतलब क्या है? No longer young, मतलब हम क्या हो चुके हैं? बूढ़े हो चुके हैं। The synonyms of unhappy, unhappy का synonyms, synonyms मतलब कि same meaning जिसका जो, तो unhappy, happy मतलब खुश, unhappy मतलब दुखी, तो obviously बात है, it is sad. They came in because it was raining. The underlined word in the above sentence is an example of. तो because यहाँ पे क्या होगा? तो आपको पता होना चाहिए कि because अगर हम बात करें तो because वैसे adverb होगा, क्यों होगा? क्योंकि यहाँ पे दो, ये भी complete sentence नहीं है और ये भी कंप्लीट सेंटेंस, ये आपका कंप्लीट सेंटेंस भी है, बट ये कंप्लीट मीनिंग आपको नहीं, दोनों अलग अलग इंडिपेंडेंट नहीं है पूरी तरीके से। दैट्स व्हाई जब दोनों इंडिपेंडेंट नहीं है तो इसलिए ये एडवर्ब है। अगर ये दोनों वर्ड अगर इंडिपेंडेंट होते, दोनों वर्ड मैं कहना चाह रहा हूँ, मतलब कि दोनों सेंटेंस अगर इंडिपेंडेंट होते पूरी तरीके से, और अगर तब अगर मैं इसको बिकॉज से अगर मैं ज्वाइन करता, देन वो एक कंजक्शन होता। लेकिन इस केस में क्या है? दोनों कंप्लीटली इंडिपेंडेंट नहीं है, कंप्लीट मीनिंग सेंटेंस, कंप्लीट सेंटेंस पूरा नहीं कर रहे, इसलिए इट इज अ एडवर्ब। A writing that cannot be read, तो जिस writing को हम लोग read नहीं कर सकते, तो it is a C and D, both are same option, तो आप कोई भी यहाँ से choose कर सकते हो, eligible, ठीक है, जिसको आप read नहीं कर सकते। John's action amount dash a stab dash in back, तो John's action to a stab in the back, तो Then after, the antonyms of demon is, तो आपको पता ही है कि बहुत ज्यादा ही आप किसी भी चीज को जब आप देखते हो कि कहते हैं कि वो गुंडा है, या इस टाइप से हम कहते हैं ना कि वो जैसे कि आप समझ सकते हो कि एक दज्जाल हो गया, या कुछ भी अगर हम कह रहे हैं, तो क्या है डेमोन, हम उसको डिनोट करते हैं जो बहुत ही बुरा इंसान कह सकते हो, ठीक है, मतलब कि तो डेमोन का क्या होगा? Antonyms, antonyms are opposite. So obviously, बात है, it is an angel. We found dash in a difficult situation. So we found,
वी फाउंड, वी मतलब हम लोग, तो वी के साथ यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो ऑब्वियस ही बात है आर सेल्फ, ठीक है, वी फाउंड आर सेल्फ, क्योंकि ऐसे ऐसे सेंटेंस में इस तरीके से यूज किया जाता है, ठीक है। अगर यहाँ पे आई होता तो आई फाउंड माई सेल्फ, अगर ही होता तो ही फाउंड हिमसेल्फ होता, ठीक है, तो इस तरीके से यूज किया जाता है। अ लॉ अबाइडिंग अ पर्सन डैश द लॉ, अ लॉ अबाइडिंग अ पर्सन ओबेज द लॉ। द एंटोनिम्स ऑफ अजाइल इज, तो अजाइल का मतलब क्या होता है कि यहाँ पे मूवमेंट बहुत तेजी से होती है, मतलब फास्ट मूवमेंट, ठीक है, तो अजाइल तो फास्ट मूवमेंट मतलब कुछ भी चीज आसानी से मूव हो रही है, तो एंटोनिम्स का पॉजिट पूछ रहा है, तो पॉजिट कहने का मतलब क्या होगा कि कोई भी चीज जो आसानी से नहीं हो सके, ठीक है, तो अजाइल का ओके यहाँ पे ये रॉन्ग लिखा गया, इट इज अ स्टिफ, तो यहाँ पे स्टिफ होगा इसका आंसर, क्योंकि हार्ट तो ऐसे भी आपको हार्ट दिख ही रहा है, फीम तो स्टिफ होगा इसका। नेक्स्ट 22 डैश माई स्टैट एट अलीगढ़ आई मेड माई फ्रेंड, ठीक है, तो ऑन माई स्टैट एट अलीगढ़ आई मेड मेनी फ्रेंड। टेक द करेक्ट आंसर, आई विश टू हेल्प द पुअर, आई विश टू हेल्प द पुअर, आई विशिंग टू हेल्प द पुअर, आई विश टू हेल्प द पुअर, तो ऑब्वियस ही बात है आई विश टू हेल्प द पुअर फर्स्ट वन। नेक्स्ट वन फर्टिलाइजर्स डैश एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी, तो ऑब्वियसली बात है फर्टिलाइजर क्या करेगा, फर्टिलाइजर इनहेंस्ड एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी। इट इज इंपॉर्टेंट टू टेक प्राइड डैश वॉट एवर वी डू डैश लाइव, इट इज इंपॉर्टेंट टू टेक प्राइड, तो इट इज इंपॉर्टेंट टू टेक प्राइड in whatever we do in life, so it is important to take pride in whatever we do in life, kya cheez hum log karte hain apne life mein, to iske to iska ho jayega b, to milte hain agle video mein, to next video mein hum log discuss karenge history ke section ko, to that's all for today, see you in the next video, agar aapko video pasand aa rahi hai to apne doston ke sath share kare aur like karna na bhule।